आज का कीटो स्पेशल है साग गोश्त। साग गोश्त बनाने के लिए लेते हैं एक बोल, उसमें लेते हैं 250 ग्राम बोनलेस मटन के टुकड़े, एक चौथाई कप दही, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करके कम से कम एक घंटा मैरिनेट होने रख देंगे। अब लेते हैं एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल। तेल गरम होते ही डालेंगे एक तेज पत्ता, दो हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, एक छोटा चम्मच जीरा। इन सब को एक बार अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक छोटा चम्मच पतला पतला कटा हुआ अदरक। इन सब को एक बार अच्छे से चला लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे मैरिनेट करके रखा हुआ मटन। मटन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये हो गया हमारा मटन फ्राई। अब डालते हैं 2 बड़े चम्मच दही और आधा कप पानी। इसे मिलाकर अच्छे से उबलने देते हैं। इसे ढककर रखेंगे ताकि मटन अच्छे से पक जाए। अब इसका पानी सूख गया है। अब बारी है आधा कप उबाल कर पिसे हुए पालक की। फिर डालते हैं 2 बड़े चम्मच डिल लीव्स और 2 छोटे चम्मच नमक। इसे मिलाकर अच्छे से पकने देंगे। और ये रहा आपका फाइबर और प्रोटीन से भरपूर कीटोजेनिक साग गोश्त रेडी। न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी के लिए जाइए हमारी वेबसाइट juicedigital.in पर। ऐसी और हेल्दी रेसिपीज के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल जूस फूड पर।